अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप हैरत से होंगे। मैं हूँ जमीला मदर, आप देख रहे हैं वाना टू ऑल राउंडर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि अगर आपके मोटरसाइकिल की बैटरी फारिग हो जाती है तो अब नई बैटरी अगर लगवाएं 1400-1500 रुपये तक अच्छी बैटरी मिलती है, तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि यार हम नई बैटरी लगवाएं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक एडवाइस है, ये आपको नज़र आ रही होगी, है लोकल मेड है, बहरहाल इसका मैं फुल ऑपरेशन भी आपको करके दिखाऊंगा। ये तकरीबन आपको 100 रुपये की किसी भी दुकान से बस आनी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी बाइक वाली दुकान से नहीं मिलती तो आपने इलेक्ट्रॉनिक वाली दुकान पे जाके तो ये आपने डिवाइस उनसे पूछनी है, नंबर वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा। इसको मैं तोड़ के आपको एक एक चीज़ चेक कराऊंगा, ठीक है। तो आपने ये लगानी है, पहले इसका आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं, मैं आपको इसका रिजल्ट चेक करा देता हूँ मोटरसाइकिल में लगा के और लगाते किस तरीके से हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं मोटरसाइकिल की तरफ। अच्छा दोस्तों, ये हमारे पास मोटरसाइकिल, ठीक है। तो इस टाइम इसकी जो बैटरी है, ये आपको बैटरी इसके अंदर नज़र आ रही होगी लगी हुई है, इसकी हालत बहुत ही ख़राब हुई है। तो इस टाइम ये जो इसकी बैटरी में करंट वगैरह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मतलब है कि बैटरी इसकी फारिग हुई है, इसमें कोई करंट शरण नहीं है, ठीक है। और ये इसकी तारें हैं, एक ये तार है, ठीक है। बैटरी को मैं बाहर निकाल देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र भी आ जाए। बैटरी को आपने निकाल लेना बाहर अगर बिल्कुल फारिग होगी, ठीक है। तो इसकी एक ये तार है, एक ये तार है, ठीक है। इस तार को दोस्तों आपने इन तारों को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, नहीं छेड़ना, ठीक है। आपने इसकी मोटरसाइकिल की ना हेडलाइट खोल देनी है, ठीक है। तो हेडलाइट मैंने इसकी पहले से खोली हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो इसका ये मसला दोस्तों कि अभी मैं पहले आपको इसको स्टार्ट करके इसका हारन वगैरह चेक करा देता हूँ कि हारन इसका कैसे चल रहा है बगैर बैटरी के। तो स्टार्ट करो जरा बाइक को, ये बच्चा हमारे पास एक है जी, ये स्टार्ट करता है मोटरसाइकिल को। ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया, रेस छोड़ दो। ये मोटरसाइकिल स्टार्ट है, रेस छुट्टी हुई है, ठीक है। मामूली सी इसकी रेस है बाइक की, देख लें ये रेस की स्पीड है सिर्फ, ठीक है, ना होने के बराबर। तो अगर आरन हम बजाएं तो ये आरन में आपको जा के चेक कराता हूँ। ये देखें, ये आपको आवाज़ ही नहीं आ रही, थोड़ी सी रेस दो, थोड़ी सी रेस दो। ये देखिए रेस अगर दे ना, ये मामूली सी रेस है तो फिर ये बजता है, वैसे नहीं बजता, ठीक है। ऐसे देख रहे हैं अभी, अभी रेस नहीं दे रहे, बंद हो गया मोटरसाइकिल, स्टार्ट करो। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मामूली सी यहाँ से रेस बढ़ा देते हैं ताकि कोई हमें परेशानी ना हो। ये देखें, बस छोड़ो रेस, ये अभी रेस मारी हमने थोड़ी सी बढ़ा दी। अब मैं हारन आपको जाके चेक कराता हूँ, ये देखें हारन, ये ऐसी आवाज़ अभी बाइक हमारा स्टार्ट है, ठीक है। तो इसमें आपने दोस्तों लगानी है ये वाली वो डिवाइस है ये मेरे पास, ये मैंने इसका ऑपरेशन किया हुआ है, खोल के रखी हुई है। मैं आपको बताता हूँ इसका नंबर वगैरह सब कुछ क्या होता है। तो पहले ये लगाने का आप तरीकाकार देख लें, इसमें किस तरीके से आपने लगानी है दोस्तों। जो हमारी यहाँ से वायरिंग, अभी आपने हारन की आवाज़ फिर दोबारा सुन ली, देखें ये आवाज़ है, ठीक है, मतलब है कि सही नहीं है बिल्कुल भी, इंडिकेटर भी इसके सही वर्क नहीं कर रहे। तो दोस्तों इसकी जो यहाँ से तार आ रही है हमारी वायरिंग में से, एक रेड तार आ रही है जो हमारी स्विच के अंदर लगती है, ठीक है। एक्सेलरेशन स्विच में ये लगती है तार, रेड कलर की तार है। इसको आपने यहाँ से खोल देना है, यहाँ से देखें ये मैंने खोल दिया। यहाँ पर जो ये चीज़ है ना, ये कैपेसिटर है जो भी है, इसकी आपने एक रेड तार लगानी है, ये इस जगह पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस जगह पर, ठीक है। अब दोस्तों ये वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं बैटरी वाली जगह पे, बहरहाल वहाँ पे लगाने से रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलता, यहाँ पे मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, तब मैं यहाँ पे लगा के आपको चेक करा रहा हूँ। ये हमने रेड में लगा दिया है और इसको दोबारा आपने वापस जोड़ देना है, ठीक हो गया, जुड़ गया। अभी बाइक हमारा स्टार्ट ही है और जो इसकी जो ग्रीन तार है, ग्रीन आप इसकी जो भी कोई भी ग्रीन तार देख लें, हेडलाइट की जो होती है वो ग्रीन तार देख लें, कोई सी भी, ठीक है, या स्विच की ग्रीन तार आप देख लें जो स्विच में से आ रही है, हमारे एग्जिस्टिंग स्विच में से आ रही है, उसमें आप लगा दें। बहरहाल मैं इस टाइम इसको हेडलाइट वाली जगह पर लगा रहा हूँ। ये हमारा स्विच निकल गया है, दूसरा पॉइंट हम इसमें लगा देते हैं, मैं आपको चेक करा रहा हूँ, बाकी मैं इसकी वायरिंग सही प्रॉपर सेट करूँगा। ये लग गई है जी, ठीक है, इसको तार लगा के दोबारा आपने वापस इस तरह लगा देना है, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ पे लग गया है, ये दोनों इसकी मतलब तारें लग गई हैं, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये लटक रहा है, ठीक है। अभी आपको आराम से आके चेक कराते हैं, ये देखें उसी तरह ही बिल्कुल, मतलब स्पीड भी वही है बाइक की, रेस भी हमने बढ़ाई नहीं है, रेस भी बिल्कुल वही नॉर्मल है। और आवाज़ आप चेक करें, मतलब कहने का ये है दोस्तों कि ये जो छोटा सा मतलब कम खर्चे में आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो अभी वो दूसरी मेरे पास पड़ी है जो डब्बी मैंने आपको दिखाई स्टार्टिंग में, ये मैंने तोड़ के देखें कचरा किया है, मैंने कहा मैंने इसका नंबर देखना है तो मुझे नंबर नहीं मिला। अभी मैं एक और डब्बी जो मैंने हाथ में उठाई थी वो मैं ले गया था, अंदर से अंदर पड़ी हुई है, ले गया था, उसका ऑपरेशन करता हूँ कि इसका नंबर क्या है। यही नंबर आपने लेना है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसको चेक कराता हूँ। अभी आपने हारन चेक कर लें, बिल्कुल ज़बरदस्त आवाज़ है, ठीक है। और बैटरी देख लें, इसकी बैटरी नहीं लगी हुई, ये बैटरी पड़ी हुई है, सही है। तो आपको 100% मैं लाइव प्रूफ देता हूँ, तो वीडियो को आप लाइक कर दिया करें, हौसला अफजाई हो जाती है, शेयर भी अपने दोस्तों को कर दिया करें।
अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कि जो इसकी वो थी ना, जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में स्टार्टिंग में, वो हमारी यहाँ कहीं पड़ी है, पता नहीं मैंने शायद बाहर लेके गया हूँ, किधर लेके गया हूँ। तो ये दोस्तों एक मैंने बिल्कुल तोड़ के, जो मैंने तोड़ी है ना, वो मैंने लगा दी है बाइक में। अभी हमारे पास नई वाली है, इसको भी हम तोड़ते हैं, क्योंकि तोड़ने का हमारा मकसद नहीं है, मैंने सिर्फ आपको नंबर चेक कराना है। अगर ये आपको मोटरसाइकिल दुकान से अगर मिल जाए फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना मिले तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी दुकान पर जाके ले लेनी है। तो इसको यहाँ से तोड़ते हैं। इसमें इन्होंने लगाया क्या होता है, इसमें इतना कुछ भी चीज़ नहीं होती है। देखें, ये इन्होंने ये प्लास्टिक की बॉडी लगाई हुई है और इसके अंदर इन्होंने सीमेंट भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं, सीमेंट भरा हुआ है, प्लास्टिक की बॉडी है और ये हमारा सीमेंट इन्होंने भरा हुआ है इसको हाली वेट बनाने के लिए। हमने इसका नंबर देखना है, नंबर मैं आपको चेक करा देता हूँ। आपने ये बिल्कुल सेम ये चीज़ लेनी है और ये आपने लगानी है बैटरी, अगर आपकी फारिग हो गई है तो। ये निकल गया, ठीक है जी। इसके ऊपर नंबर देखते हैं, अगर नंबर सामने मेंशन हो रहा हो। अच्छा दोस्तों, इसके ऊपर तो ये लिखा हुआ है सिर्फ जी CGS, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये आपने ना इसी तरीके से, मतलब है कि इसकी स्क्रीन शॉट ले लेनी है, ये जो मतलब चीज़ है कैपेसिटर है, इसका नंबर वगैरह उन्होंने नहीं लिखा हुआ। ऐसे हमारे जो दूसरे कैपेसिटर होते हैं ये, तो इनके ऊपर ये देखिए नंबर लिखा होता है ये वाला। तो ये कैपेसिटर मैंने ट्राई किया था, बहरहाल इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, ये तो मैं इसको छोड़ ही दें। तो इसका नंबर लिखे थे, बहरहाल इसके ऊपर आपने सिर्फ इसकी ये ले लेनी है, स्क्रीन शॉट ले लेनी है। ये देखें, फिर आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लें और इसी तरीके से स्क्रीन शॉट ले के आप ले जाएँ दुकान पर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट्स होता है, ठीक है। उनको बोले ये हमें दे दें, वो आपको दे देंगे आगे। सिंपल आपने, मैंने आपको तारे बता दी हैं, वो आपने तारे इस तरीके से लगानी है। ये रेड वाली मैंने समझा दी है, वैसे तारें इसकी रेड कौन सी है जी, ये वाली जो जिसके ऊपर देखें वाइट सी लाइन है, ये होता है, ये माइनस है ये वाला जो, और जो बाकी है ब्लू हमारा कलर सारा, ये हमारा होएगा प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करेक्शन करने हैं। तो अभी आते हैं फ्रंट कैमरे में, देखते हैं फिर आप क्या कहते हैं। जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी होगी, आपको मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है ऐसे करके लाइक मारें, ठीक है। आपको पता है कि जो इससे पहले मेरा चैनल था वो, उस पर मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की थी, तकरीबन 1.8K वीडियो, 1800 वीडियो मैंने अपलोड की थी, वो किसी वजूहत की बना पे मैंने वो छोड़ दिया, ठीक है। तो ये मेरा नया चैनल है, इसके ऊपर आपने मुझे फुल सपोर्ट करनी है, अपना प्यार दिखाना है, लव करना है, जो जो कर सकते हैं बेशक करना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।